उसी का तारीफ सारा करवा दे। तो वलीउल्लाह, वलीउल्लाह आप क्या करते हैं? मैं एसएम लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, लॉ का। सॉरी, एसएम लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, लॉ से क्या? अभी तो फर्स्ट ईयर के लिए नहीं। अच्छा, तो अभी बैकग्राउंड लाइक ग्रेजुएशन फाइव? ग्रेजुएशन 2009 बीकॉम क्लास यूनिवर्सिटी फ्रॉम। और इसका कोई और जॉब वगैरह करते हैं? एनजीओ के अंदर मेरा एक्सपीरियंस है, पाक चाइना फाउंडेशन के अंदर मैंने की है और पाकिस्तान क्रिश्चियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन में की है। अभी एनिस भाई के साथ कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन में। उसमें आप क्या करते हैं? मैं कोऑर्डिनेटेड टू चेयरमैन था और पाक चाइना फाउंडेशन के अंदर मैं पीआर होता हूँ, पर्सनल रिलेशन ऑफिसर। पब्लिक रिलेशन? अच्छा, और क्या मतलब इसके अलावा क्या करना चाहते हैं? लेकिन अब वो ड्रीम मैंने खत्म कर दिया, मैं थोड़ा सा बिजनेस की तरफ आना चाह रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ। I am Anis Uddin. I am a student of Karachi University. My name is Tahab Irfan. I am a student of Iqra University, BBA, fourth semester. और सर क्या करना चाहते हैं? And I want to become a good marketing manager. And my interest is socialize with people via social media, Facebook, YouTube. And this is Mohammad Junaid Abbasi. I recently completed my graduation from Marin University of Engineering Technology in Petroleum. And now forward, I'm looking for doing my master's. So from now, I'm looking for a job as well. If I don't get it, so I will go to for my master's. And besides that, we have a family business of branding, Grace International. All over the Pakistan, we are doing brandings and promoting different brands. We are the vendors of Pakistan Unilever. मेरा नाम साद है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ। और क्या करना चाहते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आप डॉक्टर? नाम फारा सादिक है और आप माय इवेंट ऑर्गेनाइजर मेरे खान इवेंट्स। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन सिद्दीक है और बस बड़े फाउंडेशन जो एनजीओ है ये लोगों के वन मिलियन बिजनेस को लॉन्च कर रही है, उसको मैनेज कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना बताएं कि आप यहाँ पे कैसे लैंड कर रहे हैं, खासतौर पर जैसा कैसे आप आए, कैसे आए यहाँ पे, क्या पता चला आपको? मैं नीचे दिन के साथ आया हूँ। कैमरे को छोड़ दो, कैमरा दूसरे में था, कैमरा से ऐसे ही प्रॉब्लम थी। और ऑर्गेनाइजेशन में सांस ले सकते हो तो कैमरा ऑन नहीं होगा, ये बड़ा मसला है और काफ़ी फायदेमंद रहता है क्योंकि हमारा वर्चुअल कैमरा है, वैसे तो बहुत सारे ऑन है, हमें नज़र नहीं आता, ये सब हमें नज़र आ रहा है, कैमरे को इग्नोर कर दें। तो यहाँ पर रह जाएगा तो वो ऊपर चलेगी डीवीडी, इसलिए हम परेशान नहीं होते। अच्छा, आपने बताया था कि आप टेस्ट करना चाह रहे थे, फिर आपने ड्रीम गिव अप कर दिया, ऐसा क्यों करा था? सिस्टम की वजह से। कौन सा सिस्टम? जी का पाकिस्तान का सिस्टम जो है। अच्छा, पाकिस्तान सिस्टम प्रेजेंट जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे अपना नए ईयर से, तो उस वजह से मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे पर्ची सिस्टम है और रिश्वत है, यानी कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए तो फिर आपको टेबल के नीचे से पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी है, मस्ट है, कोई रास्ता नहीं है। मेरिट के ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान के अंदर सिंध में आप लगा लें कि मेरिट पर कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इवन आप क्रिकेट के अंदर भी अगर आप 19 खेल रहे हैं तो अगर आपके पास मेरिट के ऊपर आप एक अच्छे स्पिनर हो तब भी आपको किसी ना किसी की सोर्स चाहिए है बिहाफ पे, यानी कि सोर्स इज बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों के साथ था उन्होंने ही मुझे क्विट कर दिया, क्योंकि मेरे पास इतना बहुत सारे लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। फैमिली वाले थे? नहीं नहीं, यानी कि जिनके साथ मैं चल रहा था, जिनके साथ मैं काम कर रहा था, इनकी सपोर्ट थी मुझे एक बिल्कुल ऊपर तक जाना और जाके सिर्फ यही सिस्टम। मैंने आपको बताया कि मेरे लॉ से ताल्लुक था, तो मैंने सिटी कोर्ट में 2 साल किया, हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर था, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ अभी भी, तो वहाँ पे भी टोटल यही है कि द
रिश्वत स्टार्ट होती है और अब तक जा रही है। वहाँ पे जो हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनमें भी रिश्वत चल रही है। एक लॉयर जो है वो एक जो मुखलिस आदमी है जो राइट पे है, सही है ना, वो उसको डिफाइन करने के बजाय उसी को उसके पीछे पड़ा हुआ कि नहीं ये बंदा गलत है। यानी कि सिस्टम की वजह से यहाँ पे मैरिट पर कुछ भी नहीं है। इस वजह से मैंने इसको क्विट करके मैं कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ आना चाहता हूँ। मैं खुद भी करप्ट जाऊंगा फिर क्या करूंगा। सोल्यूशन तो सब मिलके निकालेंगे, एक फर्द वाहिद की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। तो सब में कौन आता है? यूथ। अच्छा, यूथ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर यूथ की सारी की सारी इस तरह एक जैसे यूथ को कैसे निकाला जाएगा, यूथ को कैसे आप इनके जहन में दिमाग में चल रहा होगा तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन आपको जरा जैसे उधर से घिरता हुआ डाल दूंगा गली में आप घुसते हैं ना इनके कर दो चीजें होती है दुनिया में जो कुछ भी हमारे साथ होता है ना, सिर्फ दो वजूहत होती है इधर उधर का तो मुझे नहीं पता है। एक तो या तो हम कुछ करते हैं कुछ या कुछ हम होने देते हैं, इसके बाद तीसरी बात होती है होने देते हैं यार चलो ये हो रहा है कोई कर दिया या कुछ नहीं बोला खामोश रह गए, लेकिन ये तो होने देते हैं या खुद करते हैं कुछ जिसके ऊपर हमें मुकदमा पड़ता है। सही है, इधर उधर तेरे मेरे सिस्टम में वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हैं वो इतने सालों से बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता अगर लॉ में या कितनी चीज़ों कितने मसले मसाए आते होंगे? लेकिन हम लोग कसम खा के बैठे रिश्वत तो देनी नहीं, चोर नहीं देनी। सही ना, अब वो पूरी कितना भी आ जाए ऊपर से हमारे पास टेक्नोलॉजी का लेवरेज ऐसा होता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, अब वो दिन गुजर गया कि जिस दिन जो ना वो जाने मजलूम को दबा देगा और ये हो जाएगा। अब आपके पास टेक्नोलॉजी है या आपके पास इतने सारे लेवरेज पता है क्या होता है, वो जो बीच में चीज रखते हैं डंडा रखते हैं चटान को डाले हल्का सा दबाया और काम आसान हो जाता है। तो इस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी की पावर ऐसी है कि जिससे हम जो कुछ चाहें कर सकते हैं, तो उसको सही तरीके से इस्तेमाल आना चाहिए। अगर मैं आपको क्लास देता हूँ बोलूँगा भाई अब आप की ठोकते हैं, आप की ठोकनी शुरू करती क्लास से थोड़ी बहुत ठुकेगी लेकिन इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। लेकिन वही अगर मचौड़ी देता टूल अलस को इस तरह से इस्तेमाल करना है, इस तरह से यहाँ से पकड़ना है नीचे से हिट मारना है तो तेजी से काम हो जाएगा, आसानी से काम हो जाएगा। तो टूल्स हमारे पास हैं, सिर्फ हमें इस्तेमाल आना चाहिए, सारे काम हो जाते हैं। अगर आप करना चाहते हैं वाकई में तो यानी साहब आपके बार में बैठे आपके जान पहचान है ना निकी के ऑफ से मैं यहाँ पे हूँ, ये इनको इनको आपसे इनको पढ़ना शुरू करते हैं, इनको काम नहीं करवाना हो तो मेरे स्ट्रीम में सीधा जाते हैं कि वो देखते कहाँ है ऑफिस, इधर फोन हुआ उधर फोन हुआ है, एसएमएस करा उसको बोला कि उसका उसको पकड़ लो एड्रेस निकाल लिया उसी दिन पहुंच जाएंगे सवाल को मेरा नाम होनी से ये काम था। सही ना, अब वो उससे दोस्ती हो गई। सही ना, अब जो नीचे जो हमारा जो करप्शन जो रिश्वत दे रहा था तो उससे उसको फोन करवाते हैं यार यानी भाई आना था काम कर दे रहा हूँ, कहते सर सलाम अलैकुम सर बैठे चाय पीएंगे आप रिश्वत का नहीं बोल रहा। सही, तो अगर आप में दम है अगर आप स्ट्रॉन्ग है तो आपको सिग्नल इस्तेमाल करनी आती है, आप अच्छा सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं आप सारे काम कर सकते हैं। लिमिट आप अपने आप खुद कर देते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, मुझे लगता है या एनर्जी स्टोरेज हो जाते हैं गिव अप कर दो या छोड़ दो कुछ नहीं हो सकता। हम लोग मैक्सिमम एफर्ट लगाते हैं बहुत मेहनत करते हैं कि काम कम उससे कम एनर्जी से कैसे हो सकता है, आसानी से कैसे हो सकता है, कम एफर्ट के साथ काम कैसे होता है, इस सोच पर हम पूरी एफर्ट लगाते हैं कि ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े किसी कुछ भी उसे मेहनत करनी नहीं पड़े। जब भी सोच लिया जाए तो फिर कोई चीज़ बदलने वाली नहीं है, सब अपना आसान आसान रास्ते निकालेंगे वो करते रहेगा। तो ज़रूरत इस सफर की है कि मुश्किल काम का बेड़ा उठाया जाए, डिफिकल्ट होगा आप इस आपके लिए भी बेहतर होगा और आगे वालों आगे आने वालों के लिए भी बेहतर होगा, आपका खुद आसान रास्ता निकला तो किसी और खुल जाए। मेरी मतलब फ्रेंड थी वो उसका शौक था कि वो फाइटर पायलट बनी, तो पाकिस्तान एयरफोर्स में ऐसा कोई नहीं था कि कोई गंदी जो है वो फाइटर पायलट बन सके जेट कोई उतार सके, तो हम जैसे लोग आसपास हुआ करते थे हम कहते हैं यार ख्वाब नहीं तो चल गया ये नहीं हो सकता वो नहीं सकता, बड़ा डिस्करेज करते थे। तो उसका जवाब ये होता था अगर ये आज तक पाकिस्तान में नहीं हुआ तो वो पहली बंदी होंगी जो फाइटर पायलट होंगी। हमने कहा यार अब तो इसके आगे मूवन हो जाता था चले यार लगे रहो उसमें पाँच छः साल रिसर्च करी परमिशन तो और की बात है डिफरेंट ममालिक हिंदुस्तान ममालिक थे वो आई सी थी पता नहीं कहाँ कहाँ उसने सब पोस्ट कर दी, मतलब ये हमारे कैटेगरी बात बता रहा हूँ तो उसकी रेंज क्या थी
लगते हैं सोशल मीडिया पर पायलट्स को ऐड करना शुरू कर दिया, उनसे रबते उनसे रबते डिफरेंट ममालिक के जो एयरफोर्सेज है उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये स्टाफ वो स्टाफ सबको ऐड कर लिया, पायलट्स से एनर्जी की मेरा ख्वाब है मेरा ख्वाब बताना शुरू कर दिया, इससे मेरा ये ख्वाब है। फिर उन्होंने ओ आई सी में भेज दिया, ओ आई सी से फिर पद्म मुशर्रफ को कॉल किया, मतलब ये पद्म मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव था इंडिया का, उसने कहा ये इसके साथ मसला तो और ऊपर से है, पद्म मुशर्रफ इसको बायस ना हुआ कि कौन बन दिए कौन है चला शुरू हो जाएगा इसको भी। फिर वो भाई इस मीटिंग के साथ साइन करवा के आए कि नाउ लेडीज कैन बी इंडक्टेड इन पाकिस्तान एयरफोर्स। लेकिन इसमें इस कैटेगरी में ये हुआ कि सर पास आउट जिसने इंटेंस मेहनत करी तो उसकी सेहत पर और आई साइट बहुत फर्क पड़ा था, तो उसकी वजह से फाइटर पायलट नहीं बन सकी। लेकिन उसके साथ की जितने भी बैच की लड़की थी वो जब वो पास आउट हुई सबने क्रेडिट उसको दिया कि हमारे फाइन गए, उसको एजाजी तौर पर सेकेंड लेफ्टिनेंट पद मेजर का उसको दिया गया एयरफोर्स के अंदर, तो वो है एयरफोर्स के अंदर लेकिन फाइटर पायलट नहीं है, लेकिन उसने पूरी आगे जनरेशन के लिए रास्ता खोल दिया। सिर्फ उसने एक काम नहीं करा था, उसने कोट नहीं करा था, उसके आस पास इतने लोग थे ना, अब उसने ऑटोग्राफ लेने के लिए भी तरसते कि अब सिर्फ ऑटोग्राफ ले जाएगा। तो हर चीज पॉसिबल है अगर आप वाकई में डेडिकेटेड है पैशनेट है करना चाहते हैं तो आप अचीव कर सकते हैं, ना करना है आसान के आसानी के रास्ते देखने तो बहुत सारे हैं, ये कर ले तो ये जो पी प्लान सी प्लान डी प्लान बहुत सारे प्लान है। अच्छा भाई आप कुछ कह रहे थे, आप क्या करना चाहते हैं? सर मैं चाहता हूँ मैं मेरी इजाज़त से दूसरों को फायदा पहुँचे और फिर यही चाहता हूँ मेरी इजाज़त को बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचेगा चैनल से देख वैसे मतलब क्या फायदा पहुँचाना चाहते हैं मेरे साथ तो आपने डिस्कस करी मैं सबको भी बता रहा हूँ। मतलब मैं चाहता हूँ कहना है कि जैसे एक अनएम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान में बढ़ रही है और जो हमारी यूथ ही नहीं बल्कि ओवरऑल कंट्री में सबके साथ ही एक अंदर डिससेटिस्फेक्शन जो है वो क्रिएट हो रही है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो हमारे मुल्क के अंदर ख़त्म हो और ये मुल्क हमारा चाहे करप्शन है चाहे कुछ भी हो इसे हमें ही ख़त्म करना है, क्योंकि जो हमने सिस्टम में लोग बैठे हैं हमारे अंदर सूट करा है और कोई हम जैसे बाहर के कोई लोग नहीं है, और कहना हम ही रिश्वत देते तो हमें रिश्वत इसलिए प्रमोट होती है, अगर आज हम सब बहस कर लें कि रिश्वत को नहीं देनी तो देखते हैं क्या नाम है किस तरह कौन रिश्वत देगा फिर कहाँ रिश्वत प्रमोट होगी। जैसे अभी शुगर क्राइसिस हमारे मुल्क में आया, अगर हम लोग सब एक यूनाइट होकर प्लेटफॉर्म जमा होते कहते हैं नहीं हम शुगर यूज ही नहीं करेंगे, तो फिर देखते हैं शुगर जितनी भी स्टोर हुई हुई थी सब गई थी सब बाहर निकल गया था, और जब ये बड़े बड़े मिल्स के मालिकान जब नीचे आते तो पता चलता जैसे नहीं नहीं बस ये चल रहा है। तीन चार बंदे नए हैं बाकी सुबह सभी रास्ते में लटके हैं।